स्टार्ट ओके फिर ओके टेक माय नेम इज मोहम्मद तौफीक अहमद मेरा इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में बोल पाओगे माय नेम इज मोहम्मद तौफीक अहमद माय एज इज 21 एंड माय हाइट इज 5'7" माय साइड प्रोफाइल्स आर एक्शन। हेलो मैडम तुम कब से बोलती जा रही हो मैं चुप होकर सुन रहा हूँ लेकिन अब बस हो गया तुमने ये बोला कि मैंने तुम्हारा कंप्लेंट किया जाएगा प्रोफेसर को देखो मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है ना कोई तुम्हारी बातों में और हाँ मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे कंप्लेंट करने प्रोफेसर के पास मुझे हजारों काम होते हैं लेक्चर करने होते हैं तुम्हारे जैसे घूमता फिरता नहीं हूँ मैं कॉलेज में इधर उधर और हाँ ये जो तुम करती हो ना कॉलेज में ये सारी बातें आई थिंक ये सबको पता है सो प्लीज ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो अपने काम से काम रखो और हाँ ये तुम्हें बोलना है ना कि मैं कंप्लेन करता हूँ उसे जाकर बोल देना कि आकर मुझसे मिले फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ समझी अच्छा तो मैं एक्शन ओ हेलो मैडम तुम कब से बोले जा रहे हो मैं चुप होकर सुन रहा हूँ लेकिन अब बस हो गया तुमने ये बोला कि मैंने तुम्हारा कंप्लेन किया है प्रोफेसर को जाकर देखो मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है ना कोई तुम्हारी बातों में सो प्लीज अपने काम से काम रखा करो और हाँ ये जो तुम बोल रही और हाँ मैं क्यों करूँगा तुम्हारा कंप्लेंट जाकर प्रोफेसर को मुझे हजारों काम होते हैं लेक्चर करना होता है मुझे और तुम्हारे जैसे घूमता फिरता है ना मैं कॉलेज में इधर उधर और हाँ एक बार कर सकते हैं कंटिन्यू करते इसी पर हाँ नहीं जहाँ से मतलब शुरू से करना चाहो तो शुरू से करो जी शुरू से लेकिन फाइनल अच्छा निकले और वो थोड़ा पॉज होता है ना बताया गोपाल सर ने कि सुनते सुनते इरिटेट हो गया यार क्या बोल रही है और तुम्हारे सामने वो बंदी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है क्यों मैं ओ हेलो मैडम कब से बोले जा रहे हो मैं चुप होकर सुनो लेकिन अब बस हो गया तुमने ये बोला कि मैंने तुम्हारा कंप्लेन किया जाकर प्रोफेसर को देखो मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है ना कोई तुम्हारी बातों में सो प्लीज अपने काम से काम रखा करो और हाँ मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे कंप्लेन करने प्रोफेसर के पास मुझे हजारों काम करने होते हैं लेक्चर करने होते हैं तुम्हारे जैसे घूमता फिरता हूँ मैं कॉलेज में इधर उधर और हाँ ये जो तुम करती हो ना कॉलेज में आई थिंक ये सबको पता है सो प्लीज ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो और हाँ ये जो तुम्हें बोल रहा है ना कि मैं कंप्लेन करता हूँ तुम्हारा जाके उसे बोल देना आके मुझसे मिले फिर मैं बताता हूँ समझी ओके तो एक आपसे लगता है हंसते 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 होने लगता है व्हाट कर सकते हैं ठीक है तो आप करने से पहले एक बार बोल देना कर सकते गब्बर का कितने आदमी थे दो और वो तुम तीन फिर भी खाली है क्या सोचे थे सरदार बहुत खुश होगा शाबाशी देगा सुगर के बच्चों हो गया हो गया बस में ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है जी हाँ आपके बगल में सीट खाली है जी और आपके मन में लाइक सोचे कोई लड़की आके बैठ जाए आप जी हाँ जो सोचते वो हो जाता है आपको पता नहीं है कौन बैठने वाला वहाँ पे ठीक है आपका मन रहता है कि वो लड़की आके बैठे वहाँ पे कोई लड़की आके बैठे समझ गए ना जी जी वो बस में बैठे हैं वो फील लड़की के पास बैठे आप विंडो सीट लेना चाहेंगी तो आ जाइए वैसे भी खूबसूरत चीज बगल में बैठी रहती है तो जिस सफर का ज्यादा मजा आता है बस हो गया बस इम्प्रेस्ड हो तो आप यहाँ पे आके बैठिएगा तो सफ़र ज़्यादा जल्दी कट जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ी बातें करने आती है और सफ़र का पता नहीं चलेगा बातों बातों मैं सुना हूँ कि सफ़र ऐसे ही निकल जाती है
और मुझे थोड़ी जोक्स भी आती है, हम बातें भी कर सकते हैं, मैं खुद इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, आपको टिप्स भी दे सकता हूँ पढ़ाई लिखाई के मामले में। ओके तो आगे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, हाथ पकड़ लीजिए, हाथ दोबारा नहीं छोड़ेंगे कभी।